दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे स्वादिष्ट दाल ढोकली। इसे हमारे बिहार में दल पिट्ठी या फिर दाल की दुल्हन भी बोला जाता है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दाल ढोकली बनाना। तो सबसे पहले हम दाल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कप मिक्स दाल लिया है। इसे अच्छी तरह पानी से धोकर साफ़ कर लेंगे। अगर आप इसे मेज़रमेंट करें तो ये 100 ग्राम के लगभग दाल है। आप किसी एक सिंगल दाल से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2.5 गिलास पानी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। और इसमें हम 5 से 6 सीटी लगाएंगे। 6 सीटी लगने के बाद दाल बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही आटा हमें तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पंच मार मार कर इसका हम डो तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरह से हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी बनने के बाद खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसके साथ खाने के लिए आपको किसी भी सब्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना किसी सब्ज़ी के ही आप बड़े स्वाद से इसे खाएंगे और आप रोज़ाना ही इस रेसिपी को बनाएंगे। तो आटा हमारा तैयार है और अब हम इसे 4-5 हिस्से में बांट लेंगे। बड़ा बड़ा हमें लोई इस तरह से बना लेना है। इसका 4-5 हिस्सों में या फिर 5-6 हिस्सों में, जितने भी हिस्सों में ये बटेगा इसे हम इस तरह से बांट लेंगे। उसके बाद एक लोई लेकर और इस तरह से हम इसे हाथों से अच्छी तरह से एक बार फिर से मिलाएंगे। इस तरह से लोई हमें बड़ा लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अब हम इसे बेल कर बड़ा करेंगे। तो जितना बड़ा हम रोटी बनाते हैं उससे बड़ा हमें इसे बेलना है। और इसे हम बेलकर इस तरह से बड़ा कर लेंगे। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतना ही पतला हमें इसे बेलना है, ना तो ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। और अब हम एक कोर वाला बर्तन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है, आप चाहे तो कटोरे का भी यूज कर सकते हैं जिसमें इस तरह से कोर हो। और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। 3-4 जितना भी इसमें से कटेगा उतना हम काट कर निकाल लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसे काटने के बाद अब हम एक पूरी लेंगे और इस तरह से इसे हम हाथों पर रखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह से एक दूसरे से इसके मुंह को बीच से इस तरह से चिपका देंगे और इस तरह से फिर साइड से भी और फिर दूसरे साइड से भी इस तरह से चिपका देंगे। फिर सबको एक साथ एक जगह पर इस तरह से हम चिपका देंगे और इस तरह से चिपका कर और हम फूल बनाकर तैयार कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे पिट्ठा को बनाकर तैयार कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से चिपकाएंगे, फिर दूसरी तरफ से भी और फिर दूसरी तरफ से चिपकाएंगे। फिर सबको एक जगह इस तरह से लाकर हम एक साथ चिपका देंगे और इस तरह से हम बनाकर पिट्ठा को तैयार कर लेंगे। सारे पिट्ठे को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे पिट्ठे को बनाकर तैयार कर लिया है। और अब मैं आपको पिट्ठा बनाने का एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो क्या करेंगे, हम इस तरह से एक लोई लेंगे और इस तरह से इसे हम हाथों से थोड़ा सा लंबा करेंगे और इस तरह छोटा छोटा इसका हम लोई बनाएंगे। बहुत ही छोटा छोटा लोई बनाना है। और इस तरह से अब हम एक लोई लेंगे और इसे हम हथेली पर इस तरह से रख कर और इस तरह से इसे हम लंबा करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसे हाथों से इस तरह से दाब कर और इस तरह से इसे हम फैला देंगे। तो इस तरह से भी आप एक पिट्ठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये भी एक तरह का डिज़ाइन हो गया पिट्ठे का। तो देख सकते हैं आप, मैंने सारे पिट्ठे को बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम दाल को खोलकर चेक करेंगे। तो अब हम इसे देखेंगे, अगर हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी डालेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी, अगर दाल पतला होगा तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो हम इसमें 1/2 गिलास पानी और डाल देंगे। और अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और एक एक करके सारे पिट्ठे को हम इसमें डाल देंगे।
दाल में पिट्ठा डालने से पहले हम ये ज़रूर देख लेंगे कि दाल हमारा गाढ़ा है या फिर पतला है। अगर गाढ़ा होगा तो हम इसमें पानी डालेंगे, अगर पतला होगा तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। सारे पिट्ठे को हम इसमें डाल देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम ढक्कन बंद कर देंगे। और अब हमें इसमें बस दो सीटी लगाना है, दो से ज़्यादा सीटी हम इसमें नहीं लगाएंगे। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, बड़े बर्तन में, और उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हम कड़छी को गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्च, 4 चम्मच बारीक कटा प्याज और हाई फ्लेम पे इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इस तरह से दाल ढोकली के ऊपर से इस तरह से हम इसे डाल देंगे और इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और अब आप इसे चाहें तो आलू के चोखे के साथ या फिर आम के अचार के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।